वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी इजी है और बिल्कुल 5 मिनट में आप रेडी हो जाओगे। ये कॉलेज गोइंग गर्ल एंड ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए ये वाला मेकअप है। होप आप लोग को पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये मेकअप लुक कैसे लगा। तो चलिए देख लेते हैं मेकअप गाइस। तो ये वाला मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैंने फेस को अपने अच्छे से क्लीन कर लिया था फेस वॉश करके। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है डॉट डॉट करके पूरे फेस पे। उसके बाद मैं उसको मसाज करूँगी, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं मसाज करूँगी अपना मॉइस्चराइज़र को अच्छे तरीके से। और कोई भी मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना होता है। और मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही होगी। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैंने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। उसके बाद आती है प्राइमर की बारी। तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए और बहुत ही ईजी वे में ये वाला लुक क्रिएट किया है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है NY मेकअप प्राइमर जो कि काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी का है, तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। NY मेकअप प्राइमर पूरे फेस पर अच्छे तरीके से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद ये वाला मेकअप मैंने BB क्रीम से किया है क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल एंड ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन यूज़ करो, बाकी आपकी पसंद। तो मैंने यहाँ पे BB क्रीम भी NYB का ही यूज़ किया हुआ है जिसको मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी। उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूंगी और ये काफ़ी ईजी मेकअप है। तो आप लोग कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो या डेली वे में भी आप इसको इजीली कर सकते हो। और मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे किसी भी टूल का यूज़ नहीं किया है, अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं पूरे अच्छी तरीके से BB क्रीम को ब्लेंड कर ले रही हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है मैंने, ना ही ब्लेंडिंग ब्रश और ना ही कुछ और। आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से मैं पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद ये देख सकते हो आप लोग मैंने BB क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद गाइज मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंसीलर। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कंसीलर स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने NY बेका कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ भी मेरा पिगमेंटेड एरिया है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करके अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ जैसा आप लोग देख रहे हो। और काफ़ी इजी वे में मेकअप किया और बिल्कुल लाइट मेकअप किया है मैंने और बिल्कुल नेचुरल सा लगता है देखने में। और कॉलेज गोइंग गर्ल मेकअप और डेली वे में या ऑफिस गोइंग गर्ल को ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए आप लोग इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसको भी अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद इसको मैं कॉम्पैक्ट से सेट करने वाली हूँ जो कि है लैक्मे का कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो मैंने सबको अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट कर लिया अपना BB क्रीम एंड कंसीलर को अच्छे तरीके से। और ये जो गाइस BB क्रीम था ये सन प्रोटेक्शन के साथ आता है इसलिए मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। जल्दी ये वाला BB क्रीम का रिव्यू मेरे चैनल पे जाएगा तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे पूरे फेस को मैं कॉम्पैक्ट से अच्छे तरीके से सेट कर ले रही हूँ जैसा आप लोग देख रहे हो। अभी थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है बट थोड़ी देर में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉम्पैक्ट से पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लैक्मे का काजल लूँगी और काजल से ही आईलाइनर भी ड्रॉ करूँगी जो कि काफ़ी नेचुरल लगेगा। आप लोग देखिएगा अभी आगे वीडियोस में। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का पेंसिल काजल लिया है और मैंने ऑफ कैमरा ही एक आई मेकअप अपना डन कर लिया था। उसके बाद दूसरा आई का मेकअप मैंने आप लोगों के सामने किया। तो आप लोग देख सकते हो मैं पहले अपने लोवर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ और ज़्यादा थिक और ज़्यादा थिन भी नहीं करना, अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे बस हल्का सा मैं की थी, समझ रहे हो आप लोग। पूरे आईज़ के मैंने नहीं किया था, नीचे बस आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया था। और मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया एक और बिल्कुल अपने आईज़ के शेप को फॉलो करते हुए और अपने फिंगर की हेल्प से उसको थोड़ा सा स्मच कर दिया। आप लोग देख सकते हो
तो इस तरह से स्मच करने पे थोड़ा सा अच्छा लगता है आईज देखने में। और अब चाहो तो आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डेली वे के लिए या कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए उतना बोल्ड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने काजल से ही यूज़ किया। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गाइज मस्कारा। मस्कारा ज़रूर अप्लाई करें, मस्कारा अप्लाई करने से आपकी आईज़ बड़ी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई किया है ब्लू हेवन का, और अच्छा है, अफोर्डेबल कैटेगरी का है, तो मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो मैंने मस्कारा की 3-4 कोटिंग अप्लाई की है, क्योंकि एक कोटिंग में इससे कुछ नहीं होता। और उसके बाद मैं अपने लिप पे लगाऊंगी गाइस। पहले मैंने किया था यहाँ पे ब्लश, सॉरी मैंने ब्लश हल्का सा किया था, हल्का ब्लश अच्छा लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने फिंगर की हेल्प से ही ब्लश किया हुआ है, कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल लगे ऐसा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो मैंने फिंगर की हेल्प से बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लश अप्लाई किया हुआ है अपने पूरे, नॉट पूरे फेस पे, अपने चीक्स पे। एंड ब्लश हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद गाइज आती है लिप बाम की बारी। अब चाहो तो कोई न्यूड कलर लगा सकते हो या लाइट पिंक कलर लगा सकते हो, टोटली यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास लाइट पिंक कलर में एक यही लिप बाम था जिससे हल्का सा पिंकिश कलर आता है, तो मैंने इसी को अप्लाई किया हुआ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बोल्ड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सटल ही अच्छा लगता है। और गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, होप आप लोग को पसंद आया हो।